सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में सपोर्ट दिखाना यार हम लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, और जितना ज्यादा लाइक और कमेंट करोगे ना आप वीडियो को, उतना ज्यादा यार रीच बढ़ती है, हमको फायदा होगा। तो बस ये आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको नज़ारे दिखाने में, ये हमारा प्रॉमिस है। पिछले 10 दिनों से मैं और विनय जो है इंतजार कर रहे थे कि हम लोग कब ले पहुंचेंगे, कब ले पहुंचेंगे। हम लोग 4:30 बजे इसलिए निकले हैं सो दैट कि हम लोग पहुंचे टाइम पे, निकलने को हम लोग सुबह भी निकल सकते थे या रात में, बट एम ये था कि जब हम लोग ले में पहुँचे तो शाम तक रात तक पहुँच जाएँ, ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओ भाई हाय गर्मी है, बट दिल इतना खुश है ना कि इतने दिनों बाद सीधा लद्दाख। 2021 में हम लोग लद्दाख गए थे मैं और विनय, 2022 में हम लोग लद्दाख गए, मतलब और तीसरी बार यार विनय हम लोग अभी कॉमन है ना मैं और विनय इस बार भी हैं, दो ही लोग हैं, जीशान भाई और सीजे भाई को टाइम नहीं मिल पाया जाने का, पता नहीं कहां से रास्ता हमें ले जाता हुआ, बट कहीं से तो ले ही जा रहा है। और यहाँ से अभी हम पहुँचेंगे पट्टौदी रोड। बताओ भाई लोग, मौत चल रही है कि नहीं चल रही है? मौत चलती रहनी चाहिए, बाकी कुछ चले ना चले अपनी तो भैया फुल चल रही है, और कुछ ज़्यादा ही चल रही है क्योंकि अपन लद्दाख जा रहे हैं, गर्मी गर्मी कुछ पता नहीं चल रहा, बस एक ही बात, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। ओ भाई पहली बार बड़े हाईवे एक्सप्रेसवे पे टॉप स्पीड पे आई है अपनी बीमर, सफ़र लंबा है भैया, आपका साथ चाहिए, लंबा नहीं बहुत लंबा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा टास्क ले लिया इस बार हम लोगों ने। 50 किलोमीटर पहले जो है वो पूरे होने वाले हैं राइड के, और स्पेशल होते हैं, हालांकि गर्मी है पर ठीक है, मज़े पूरे आ रहे हैं, बीमर बिल्कुल एक नंबर परफॉर्म कर रही है, इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं, कोई हिसाब नहीं, इतनी तेज हवा चल रही है ना भाई, बता नहीं सकते आपको, देख रहे हो झंडे वंडे कैसे हिले जा रहे हैं बिल्कुल। एनीवेज 70 किलोमीटर कंप्लीट हो गए और इस बाइक में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, मक्खन मलाई की तरह चले जा रहे हैं बिल्कुल। लो भाई ये स्ट्रेच पूरा हो गया, 97 किलोमीटर का मजा आ गया यार, मजा आ गया जिसको बोलते हैं। अब अपन उतरेंगे पुरानी रोड पे, यानी कि अम्बाला पानीपत जो दिल्ली से पंजाब की रोड है, और इस रोड पे आते ही दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इस रोड पे हम तभी आते हैं जब हमें पहाड़ों पे जाना हो रहा होता है। अरे यार अब आएगा मजा ना बिड़ू वो फील ही अलग है, मौसम अच्छा हो गया, रोड अच्छा है, और बाइक तो भाई जो परफॉर्म कर रही ना, हाय हाय हाय, लद्दाख दूर नहीं है। विनय बाबू पीछे आ रहे हैं इस बार, काइंड ऑफ मैंने लीड ले रखी पहली बार अब इस रोड पे विनय लीड लेगा देखना। अपन यहाँ मूर्थल में रुकने रुकने वाले नहीं है, ये जगह का नाम है राई, यहाँ से आप ना सीधा मूर्थल वाले एग्जिट पे निकलते हो। इतनी जल्दी पेस पकड़ती है ये बाइक कि कई बार मैं भी मतलब भौचक रह जाता हूँ, और है ना, तो मेरी बाइक में भी रेंज दिखा रहा है 308 किलोमीटर, विनय की बाइक में दिखा रहा है 280 किलोमीटर, और हमारे 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं भाई, क्या बात है क्या बात है, 103 किलोमीटर हो गए एक्चुअली, और बाइक ने जो माइलेज दिया है 20.8। तो अपन लोग अभी तूफानी गति से मूर्थल क्रॉस करते हुए, परौठे वरौठे इस बार कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि परौठे खाने में लग गए हम श्रीनगर भी नहीं पहुंच पाएंगे, ले तो बहुत दूर की बात है। राइड के पहले 150 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और हम इस समय क्रॉस कर रहे हैं शहर पानीपत, एक युद्ध पानीपत में हुआ था, एक युद्ध हम कर रहे हैं नॉन स्टॉप वाला, और टाइम हो रहा है एग्जैक्टली शाम का 6:41, तो नियरली 2 घंटे में हमने 150 किलोमीटर का सफ़र कर लिया पूरा, नॉट बैड, स्पीड कम करते हैं क्रूज की, कर ली, और कम करते हैं और कम करते हैं और कम करते हैं, बहुत बढ़िया, बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं तो यहाँ अपन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरे को अपना चश्मा बदलना, बिना चश्मा बदल